Come in. बैठो। गुड राजेश शंकर झा, आप तो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वेरी नाइस। अभी मैंने सुना ये नोबेल प्राइज मिला कुछ ये बायोलॉजी में, मेडिकल फील्ड में, कि नहीं मिला, किस लिए मिला? उन्होंने कुछ रिलेटेड थे लगता, माइक्रोबायोलॉजी से भी रिलेटेड थे, वो क्या था, वो किस रिसर्च के लिए मिला उनको? सर उनको वैक्सीन निर्माण के लिए मिला है, कोरोना वैक्सीन के निर्माण के लिए। उन्होंने एमआरए टेक्निक के जरिए उन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया है सर। तो थोड़ा ये समझाएंगे एमएनआरए क्या बला है, कुछ सिंपल टर्म में ये क्या चीज है? सर एमआरए को मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं सर। और सर वो प्रोटीन स्पाइक के जरिए सर वो वैक्सीन बनाया जाता है। अच्छा। एटेन्यूएटेड वायरस को प्रवेश कराकर वैक्सीन का निर्माण किया जाता है सर। ये वैक्सीन कहाँ, जो हम लोग की इंडिया में वैक्सीन चलती थी वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, क्या उसमें भी ये टेक्नोलॉजी थी कि हम लोग इंडिया की वैक्सीन दूसरी थी? सर जहाँ तक सर जानकारी है सर, जो पहले वैक्सीन बनाई गई थी सर उस पर सर डेड वायरस का सर इस्तेमाल किया गया था, और जो एमआरएनए टेक्निक के जरिए जो बनाया गया है सर उनमें सर एटेन्यूएटेड वायरस का इस्तेमाल किया गया है। नहीं मैंने पूछा क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो इंडिया में चली, क्या वो इनकी ही टेक्निक से बनाई गई थी कि हम लोग की टेक्निक कुछ और थी? बट अभी लेकिन ये भी काफी पब्लिकेशन कुछ दिन पहले निकला था कि वैक्सीन तो लोगों ने दे दिया, बट इट इज लॉन्ग टर्म बड़ा हेल्थ इफेक्ट दे रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए, दोनों साइड बताइए, प्रोज कॉन, इफ यू हैव आइडिया, आपने कुछ सुना है? सर अभी वर्तमान में सर ऐसा चर्चा चला था सर कि जो हार्ट अटैक की जो घटनाएं हो रही हैं तो उसके कारण सर ऐसा वर्तमान में कहा गया था सर कि वैक्सीन उसके लिए जिम्मेवार हो सकता है, लेकिन वर्तमान में शोध के जरिए सर ये पता लगाया गया कि सर वैक्सीन उसके लिए जिम्मेवार सर नहीं है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी से ही लिंक्ड है ये ड्रग्स आदि का डेवलपमेंट जो होता है, उसमें भी आप लोग की रोल होती थी माइक्रोबायोलॉजी में, ड्रग टेस्टिंग में? ड्रग टेस्टिंग नहीं, ड्रग टेस्टिंग नहीं, तो हम लोग दूसरी तरह से आपके पास जाएंगे। गुड, ये बताइए कि आजकल हर जगह तमाशा होता है, कोई भी बात होती है तो सब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण की हानि हो रही है, हर चीज जगह पर्यावरण का इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए, कोई क्या सही पर्यावरण को कोई हानि हो रही है कि केवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोकने के लिए इंटरनेशनल तमाशा है और उसके नाम पर लोग बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस सेमिनार करते हैं? आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की कोई जरूरत है क्यों? सर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए सर एक्ट बनाया गया है, और सर इन्वायरमेंट जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं सर उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर ध्यान में रखकर सर काम नहीं किया जाता है तो उसको सर कहा जाता है कि सर इन्वायरमेंट के लिए वो हानि हो सकती है सर। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जिसमें कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखा जाता है, और उसकी जो है जैसे सर उत्तराखंड में जो बाढ़ की त्रासदी आई थी सर, या वर्तमान में और बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है जिसमें सर ये कहा सकता है कि जो काम हो रहे हैं सर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से नहीं हो रहे हैं और एनवायरमेंट को प्रभावित कर रहे हैं सर। एक एक इसी संबंध में एक संस्था है IPCC, ये क्या है, इसका नाम सुना है आपने? जी सर। क्या है ये? सर इंडियन पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सर। कौन पैनल? सर इंटरनेशनल पैनल, सॉरी। लेकिन चलो खैर कुछ हद तक है, ये क्या करता है, इसने क्या किया अभी, इसकी रिपोर्ट कुछ आई थी कुछ? सर इसमें सर 2030 तक सर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सर जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था सर उसमें रखा गया था कि तापमान को बनाए रखना है सर। अच्छा, उसके संदर्भ में सर बात की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ अब आप बताइए, आप गवर्नमेंट टीचर बिहार 1-5 वो नियोजित हैं या क्या इस टाइप के शिक्षक, तो आपको अभी शिक्षक के अपॉइंटमेंट के लिए बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, आपने भी जरूरी एग्जाम में बैठे होंगे, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में बताइए? सर जो नियोजित शिक्षक सर जो बहाल हुए थे सर उनको सर राज्यकर्मी का दर्जा देने की सर बात कही गई थी, तो सर जो नियोजित शिक्षक है वो मांग कर रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। वर्तमान सर बीपीएससी आयोग द्वारा राज्यकर्मी के दर्जा देने के लिए सर उन्होंने एग्जाम को आयोजित करवाया था, और उसमें जो शिक्षक हैं पुराने सर उनको भी बैठने की अनुमति प्रदान की गई थी, और उस माध्यम से सर वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आप तो इस बंद कमरे में, नियोजित शिक्षकों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया या शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया? कुछ लोग कहते हैं इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया, कहीं कोई स्कूल में नहीं जाता, आप उसके पार्ट हैं, लेकिन आप फ्रैंक बताइए क्या अनुभव रहा है आपको, तो यंग आप शिक्षक नहीं रहेंगे, आपका करियर बहुत बढ़ेगा, आप फ्रैंक बताइए क्या स्थिति है सर जहाँ तक देखे जाए सर 2011 के बाद सर जब TET के जरिए सर TET के माध्यम से जब बहाली हुई सर तो काफी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक सर बहाल हुए, और उसके बाद सर अगर असर की रिपोर्ट भी सर देखी जाए तो गुणवत्ता बढ़ी है सर शिक्षा की, और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, बिहार सरकार की कुछ योजनाएं भी हैं सर जो शिक्षा व्यवस्था को सर बढ़ा रहे हैं, और शिक्षा सर अच्छी चल रही है सर बिहार में। आप लोग स्कूल में काम करते हैं तो बच्चे स्कूल में आए इसके लिए क्या प्रयास करते हैं?
सर, शिक्षा के सरकारी स्कूल में बच्चे आते नहीं, नाम लिखवा लेते, पढ़ने नहीं आते हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं आजकल आप लोग उसके लिए? सर, एक तो सर एक जो कम्युनिटी जो होती है सर, उससे आके संपर्क किया जा सकता है सर। दूसरा सर, इसके लिए आंगनबाड़ी जो सर सेविकाएं हैं सर, वो बच्चों को सर स्कूल में लाने का प्रयास करती है, और सकल नामांतर अनुपात को सर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है सर। ठीक है शक्ति जी। अच्छा रजनीश जी, आप बताएं कि ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर 2010 में सर। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद 2011 वाले TET एग्जाम सर मैंने सर पास किया था, और 2014 में सर मेरा नियोजन हुआ था सर बिहार से। उसके बाद से टीचर हैं आप? जी सर। क्या अनुभव है आपका टीचिंग का सर? क्या फील करते हैं आप वहाँ पढ़ा कर बच्चों को? सर बच्चों को सर पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जा रहा है सर, लेकिन सर कुछ अब संरचना स्तर पे सर कुछ कमी देखने जा रही है। और दूसरा सर की जो क्रियान्वयन स्तर है, जैसे सर 2009 के जो सर RTE अधिनियम में जिन सर छात्र केंद्रित शिक्षक की बात शिक्षण की बात की गई थी सर, लेकिन सर वर्तमान में अगर बिहार में देखा जाए तो अभी सर शिक्षक केंद्रित शिक्षा का जो है पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उसमें सर सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए सर। उस दिशा में कोई कदम सरकार की ओर से उठाया गया? जी सर, वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति लाई गई है सर, उसमें 12 के पाठ्यक्रम को हटाकर 10+12 को पाठ्यक्रम को हटाकर सर 5+3+3+4 लाया गया है। उसमें प्राथमिक स्तर पर सर जो दिया गया है मातृभाषा में शिक्षा, बहुत ही सराहनीय कदम है सर। और दूसरा सर उसमें कि कक्षा 6 से ही सर व्यावसायिक पाठ्यक्रम सर लगाया गया है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा है, वो मुझसे बोल रहा था कि आप अपने लैंग्वेज में अगर आप बात करते हो या कोई निर्णय लेते हो, और आप दूसरे के लैंग्वेज में अगर कोई निर्णय लेते हो, तो दूसरे लैंग्वेज में अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो आप ज़्यादा जस्ट होते हो। क्या वो बच्चा जो बोल रहा था ये बात सही है? सर भाषा मेरा मानना है जहाँ तक सिर्फ संप्रेषण का माध्यम है। नहीं, कई और कारण है, उसका कई और इम्पैक्ट है। अब ये बताइए, हम लोग उसमें बाद में आएंगे, केवल संप्रेषण ही नहीं होता है भाषा से। जैसे ही आपसे कोई मैथिली में बात करता हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो जाता है? सहज हो जाता है। आपका थॉट प्रोसेस कैसा हो जाता है? आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जी सर। है ना? जी सर। और जैसे ही कोई अगर इंग्लिश में या संस्कृत में या दूसरे लैंग्वेज में अगर आपसे बात करे तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो जाता है? असहज। केवल यहाँ पर हम संप्रेषण नहीं कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं सर। अब मेन प्रश्न पे आप आ जाइए सर। मेन प्रश्न ये है कि अगर दूसरे लैंग्वेज में अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम ज्यादा जस्ट होते हैं। ये किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है, 9 बरस का बच्चा है वो। सर ऐसा कहा जा सकता है सर। तो अब आप मुझे बताइए, क्या वो बच्चा सही है? क्योंकि वो भी कहीं सुना होगा, है ना? सर ऐसा कहा जा सकता है सर कि जो दूसरे लैंग्वेज सर और कोई निर्णय लेते हैं उसमें सर थोड़ा हम साइंटिफिक हो पाते हैं, क्योंकि इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में सर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती है, तो थोड़ी सर साइंटिफिक होकर उसमें निर्णय ले सकते हैं सर। यानी हम अपने लैंग्वेज में हम ज्यादा बायस्ड हो सकते हैं, इसकी संभावना है सर। सहमत है आप इस बात? ठीक है। अभी आप मैथिली आपका है, किस शेड्यूल में आप दिया गया है इसको जगह? कॉन्स्टिट्यूशन के 8 में। और ऐसे ऐसे कितने वहाँ पे लैंग्वेज है सर? टोटल 22 है सर। 22 लैंग्वेज है। हम बोल सकते हैं विविधता को बनाए रखने का प्रयास किया गया? जी सर। विविधता को बनाने के प्रयास में एक रूपता कई बार समाप्त हो जाती है। हम एक नहीं दिखते, हम एकदम अलग अलग दिखते हैं, अलग भाषा, अलग बोली, अलग सब चीज, है ना? थॉट प्रोसेस अलग, सब चीज अलग होने लगता है। और कई बार एक रूपता लाने के प्रयास में हम विविधता को समाप्त कर देते हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? सर भारत जो है सर भाषाओं का देश है सर, और यहाँ लगभग सर जहाँ तक हमने साहित्य में पढ़ा है सर 1620 भाषाएं लगभग सर बोली जा रही है। तो सर भारत में भाषा के जरिए सर तमाम संस्कृतियों को समझने का प्रयास किया जाता है सर, और भाषा के आधार पर सर बंटवारा ना हो सर, इसी कारण से सर भारत के संविधान में 22 भाषाओं को सर स्थान दिया गया है सर। यानी कि वो 22 भाषा इस बात का प्रतीक है कि देश का बंटवारा हो जाएगा अगर आप उस भाषा का सम्मान नहीं देते, तो ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, भाषाओं से सम्मान दिया गया है, और भाषाओं के जरिए सर जो इसराइल के बारे में ये बोला जाता है कि इसराइल को जब स्थापित किया तो उस समय वो कोई और भाषा बोलते थे, लेकिन जैसे ही उनका कंट्री स्थापित हुआ उन्होंने अपना एक भाषा तैयार कर। जी सर।
सर ऐसे ऐसे भी कंट्रीज को उदाहरण सर, सर वर्तमान में फ्रांस में भी सर बढ़ावा दिया जा रहा है सर, इंग्लिश को बढ़ावा दिया जा रहा है सर। तो सर भाषा के भाषा सर ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम सर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और तमाम भाषाओं को सीख कर सर उसे अच्छा किया जा सकता है सर, और इसी के प्रयास में सर भारत सरकार ने विविध भाषाओं को स्थान दिया संविधान में सर। चलिए आपका मैथिली है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये मैथिली में चौपाई है जी सर, सोठा है जी सर, क्या अंतर है दोनों में? सर एक सर मात्रिक समछंद में सर चौपाई को कहा जाता है सर, और सोठा जो है सर उसको मात्रिक अर्धसम में सर कहा जाता है सर। तो कितने कैसे उसका ये होता है काउंट कैसे करते हैं कितने सर, कितने पहले और जो सर चौपाई में सर पहले और तेरह पहले और चौथी मात्रा में सर ग्यारह और तेरह मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है सर, और सोठा में सर इसके विपरीत तेरह और ग्यारह मात्रा का। तेरह और ग्यारह सोठा का कोई एग्जाम सर सर नहीं? अच्छा माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में कुछ रिलेशन है? सर दोनों सर साइंस का ब्रांच है, बायोलॉजी का ब्रांच है सर। एक को सर सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है जिसके जरिए सर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा सर बायोटेक्नोलॉजी को जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है, उसमें सर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर बायोलॉजी का अध्ययन किया है सर। ठीक है जैसे तो माइक्रोबायोलॉजी में आप क्या क्या पढ़े हैं सर? इसमें सूक्ष्म जीवों के माध्यम से सर अध्ययन किया जाता है सर। कुछ टॉपिक्स का नाम बताएं जी सर, जैसे वायरस को बैक्टीरिया को सर पढ़ाया था, उसके इस्तेमाल क्या क्या सर? सर मेनली सर हम लोगों की इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई होती है सर, तो इंडस्ट्रीज में क्या क्या इस्तेमाल है सर उसके बारे में बताया जाए। अभी आजकल बिहार में डेंगू बहुत फैला हुआ है, ठीक है, तो डेंगू किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से? वायरस। कौन सा वायरस? वायरस किस वायरस की वजह से सर ध्यान नहीं आ रहा है सर, कुछ नाम है जी सर? नाम तो है सर ध्यान। ठीक है। अच्छा जैसे माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि कई बार हम लोग एंटीबायोटिक्स खाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कुछ डिजीज के दवा और एंटीबायोटिक दोनों क्या सेम है, या फिर एंटीबायोटिक हमारे शरीर को हार्म करता है? सर सर एक ऑपरेशन रेड करके चलाया गया है सर, उसमें एंटीबायोटिक्स के जो हानिकारक प्रभाव है सर उसको भी सर प्रदर्शित किया गया है सर। प्रायः देखा जाता है सर कि वायरल डिजीज में भी सर हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, और एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल करने से सर बॉडी में सर रोग उत्पन्न ज्यादा हो सकते हैं सर। जैसे में जैसे सर अगर वायरल सर सर्दी जुकाम होती है सर, तो उसमें भी सर हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि आपको एंटीबायोटिक सिर्फ 5 दिन ही खानी है, इसके ज्यादा आप एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे, लेकिन वही बीपी का दवा एंटी और डायबिटीज का दवा होता है, तो उसको दवा को लोग डॉक्टर लंबे समय के लिए लिख देता है, लेकिन एंटीबायोटिक के लिए नहीं लिखता है, क्यों? जहाँ तक मेडिकल टर्म में जानकारी सर है हमें सर, ऐसा लगता है सर कि जो वायरस या जो बैक्टीरिया सॉरी सर वायरस जो होते हैं उसके सर जो सीमा होती है सर डेड होने की सर, तो उसको सर 5 दिन के अंदर सर उसको डेड किया सकता है इसके माध्यम से। बहुत सारे टेबलेट्स ऐसे आते हैं जिनके ऊपर ट्रांसपेरेंट कोटिंग होती है, वो किस मटेरियल का बना होता है सर? हाँ बताएं सर। काइटिन सर उसका काम क्या है सर? प्रोटीन का लेयर होता है सर। प्रोटीन का लेयर होता है, वो तुरंत डाइल्यूट हो जाता है जी। ठीक है, मैथिली में जरा अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस करो तुम। सर हमर नाम रजनीश शंकर झा है, हम अपन ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी से कहने छी, वर्तमान में सर मेंस परीक्षा पास कैला के बाद इंटरव्यू में सम्मिलित भ रहल छी सर। ठीक है, तो तुमको नहीं लगता है कि इसको बोलना और लिखना टफ होगा? जी सर कुछ मात्राएं में सर अंतर होती है, जैसे सर जाइत छी बोलते हैं सर हम लोग, और लिखने में सर हम लोग जाइत अच्छी का उपयोग करते हैं सर। ठीक है, तो आपने ऑप्शनल पेपर क्या लिया? मैथिली लिया। ठीक है, तो मैथिली कभी पढ़ाए आप? नहीं सर मैथिली पढ़ाया नहीं। अच्छा, मैथिली के बहुत सारे कुछ सिंगर्स काफी फेमस है बिहार में, दो सिंगर का नाम बताएंगे सर? वर्तमान में मैथिली ठाकुर जो है, ठीक है, वो गाती हैं सर। दूसरा शारदा सिन्हा है सर। शारदा सिन्हा कहीं पोस्टेड है, कहीं वो टीचर भी है, कहाँ पे टीचर है? ठीक है, शारदा सिन्हा के कुछ गीत किस चीज के लिए फेमस है बिहार में? सर छठ के लिए मूलतः सर उनका गीत फेमस है सर। ठीक है, कुछ ज्योग्राफी कुछ पॉलिटी कुछ इकोनॉमी जानते हो? ठीक है, सर्वे और बजट में क्या अंतर है? सर्वे जो है सर गणना करवाई जाती है सर, उसमें गणना के माध्यम से देखा जाता है कि क्या स्थिति है सर, और बजट सर राज्य सरकार या केंद्र सरकार जारी करती है, उसमें एलोकेशन किया जाता है सर, उसमें विशेष व्यवस्था सर उसके लिए किया जाता है सर। एक टर्म यूज होता है अंतरिम बजट, ये क्या है?
सर जो सरकार बजट जारी करती है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए सर, सर उसमें लास्ट में सर अगर उसकी सर उसमें पैसे की कमी होती है सर, तो उसके लिए सर मंत्री बजट तैयार किया जाती है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास? सर अपने संसाधनों का इस्तेमाल सर, अपनी अपनी जो जरूरत है उसको उसकी पूर्ति करते हुए सर, उसका संरक्षण किया जाए तो उसको सर सतत विकास किया जाए। आपका प्रेफरेंस क्या है सर? BAS BPS BAS BPS BPS ओके सर। ठीक है राजनेश, आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ।